हेलो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे हमने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट जो हमारा लेक्चर हुआ था उसमें हमने एक्सरसाइज 8.3 जो कि हाइपरबोला के ऊपर बेस करती थी वो कंप्लीट कर ली आज हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं चैप्टर नंबर एट की लास्ट एक्सरसाइज एक्सरसाइज एट स्टूडेंट काफ़ी बड़ी एक्सरसाइज है और हमें काफ़ी ज़्यादा काम करना है इसमें टोटल थर्टी कोशनस हैं और हमने सारे ही क्वेश्चनस करने हैं और हर क्वेश्चन जो है वो लेंदी है एक्चुअली एक्सरसाइज 8.4 पॉइंट फोर इज़ दी एप्लीकेशन ऑफ पैराबोला हाइपरबोला एंड एलिप्स तो इसमें आपने बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे कॉन्सेप्ट ऑफ पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला के अलावा कॉन्सेप्ट ऑफ डेरेवेटिव तो डेरेवेटिव आपकी जान कहीं भी नहीं छोड़ता देखें हम चैप्टर नंबर एट की लास्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं और आज भी हम डेरेवेटिव यूज़ करेंगे तो so, ये सारे कॉन्सेप्ट्स मर्ज हो रहे हैं इस एक्सरसाइज 8.4 में तो हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से क्वेश्चंस एक्सप्लेन करें आपको और फिर आप इन क्वेश्चंस को कॉपी करके खुद प्रैक्टिस कीजिए चलें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर वन है प्रूव दैट द नाइन एलेक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज़ एंड द एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वस टू वन हैव जस्ट वन पॉइंट इन कॉमन इफ ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वस टू जीरो एक्चुअली हमें करना क्या है कह रहे साबित करो कि स्ट्रेट लाइन ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है कैसे पता लगा स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है अगर किसी इक्वेशन के अंदर आपको x की और y की पावर वन नज़र आ रही है और x और y मल्टीप्लाई भी ना हो और कोई x या कोई y नीचे भी ना लिखा हुआ हो डिनोमिनेटर में तो वो स्ट्रेट लाइन होती है अब ये है स्ट्रेट लाइन और ये है एलिप्स ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज 8.2 के अंदर दिस इज दी इक्वेशन ऑफ एलिप्स कहता है इसमें और इसमें सिर्फ एक पॉइंट कॉमन होगा किस वक्त कॉमन होगा जब यह कंडीशन आ जाएगी तो एक्चुअली ये जो वर्ड लिखा हुआ है जस्ट वन पॉइंट ये जो लिखा हुआ वन पॉइंट वन पॉइंट का मतलब होता है टेंजेंट क्योंकि टेंजेंट की डेफिनेशन क्या है अ टेंजेंट इज अ स्ट्रेट लाइन विच कैन ऑनली टचिस द कर्व बट नॉट पासिस थ्रू द कर्व, तो यह स्ट्रेट लाइन अब जाहिर सी बात है एलिप्स एलिप्स इज द फॉर्म ऑफ कर्फ ओवल शेप होता है तो ये स्ट्रेट लाइन इसके ऊपर टेंजेंट बना रही है कब जब ये कंडीशन वैलिड होगी तो टेंजेंट बोले या वन पॉइंट कॉमन बोले बात एक ही है तो असल में जिस स्टूडेंट का ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टेंजेंट एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वन पॉइंट इज कॉमन और अगर वो ये जानता होगा दोनों का सेम कॉन्सेप्ट है तो उसके लिए फिर बहुत आसान होगा दूसरी बात जो स्टूडेंट मेरा आज पहली दफ़ा ये लेक्चर देख रहे हैं उनको मैं एडवाइस करूँगा कि प्ले लिस्ट में जाके एक्सरसाइज 7.2 चैप्टर 7 की ज़रूर देखें क्योंकि वो भी ऐसी ही एक्सरसाइज है लेकिन उसमें हर जगह पर सर्किल है यहाँ पर कहीं आपको पैराबोला नज़र आएगा कहीं एलिप्स नजर आएगा कहीं हाइपरबोला नज़र आएगा काम ऑलमोस्ट वही है जो हमने 7.2 में किया था तो एक दफ़ा फिर बात कर लेते हैं ये स्ट्रेट लाइन इस एलिप्स के ऊपर टेंजेंट बना रही है वन पॉइंट का मतलब क्या होता है टेंजेंट कब बनाएगी जब ये कंडीशन वैलिड हो जाएगी तो हमें असल में करना क्या है इसकी और इसकी मदद से यह कंडीशन ला के दिखानी है कैसे ला के दिखाएंगे चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन सबसे पहले हम इलिप्स की इक्वेशन ले लेते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज टू वन फिर आ, हम इसको आगे जाने से पहले अगर लीनियर फॉर्म में ले आएँ तो ज़्यादा बेटर होगा ज़्यादा आसान हो जाएगा कैसे आएगा लीनियर फॉर्म में कि हम ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का एल सी एम ले लेते हैं ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया बी स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा इससे तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर फिर बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया ए स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा वाई स्क्वायर से तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज टू वन आगे चलते हैं बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके वन से डि uh, वन से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सॉरी डिवाइड हो रहा है वहाँ जाके वन से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो जब कोई चीज़ वन से मल्टीप्लाई हो जाती है तो एज इट इज़ आ जाती है कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसका हम नाम रख देते हैं एक क्वेश्चन नंबर वन ये एलिप्स ही है लेकिन एलिप्स को हमने थोड़ा सा सिम्प्लीफाइड फॉर्म में लिख दिया नाउ अब हम लेते हैं स्ट्रेट लाइन तो मैंने लिख दिया है यहाँ पर टेकिंग एलेक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल्स टू ज़ीरो अब हम क्या करेंगे यहाँ से x या वाई को अलग करेंगे सेपरेट करेंगे हम x को सेपरेट कर लें या y को सेपरेट कर लें हमारे आंसर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो अब मैंने y को सेपरेट कर लिया एम वाई को मैंने इधर ही रहने दिया है एल एक्स वहाँ जाएगा उस साइड पे तो माइनस एल एक्स हो जाएगा और एन वहाँ जाएगा तो माइनस एन हो जाएगा अभी भी सेपरेट नहीं हुआ क्योंकि एम जो है वो वाई से मल्टीप्लाई हो रहा है तो जब एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाता है तो ये m वहाँ जाके डिवाइड हो गया तो ये हो गया माइनस एल एक्स माइनस एन अपॉन एम इसका हम नाम रख देंगे इक्वेशन नंबर टू अब ये स्ट्रेट लाइन की मदद से हमने y को हासिल कर लिया अब मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ पुट द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन टू इन इक्वेशन नंबर वन ये जो हमने टू से y की वैल्यू हासिल करी इसको हम इक्वेशन नंबर वन में पुट कर देते हैं देखिए इक्वेशन नंबर वन क्या है एलिप्स की बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इन टू वाई स्क्वायर वाई हमारे पास क्या है ये लिखा हुआ है माइनस एल एक्स माइनस एन अपॉन एम अब क्योंकि हमारे पास वाई के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया इज एक टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिखा हुआ है अभी भी ऐसे ही लिखा हुआ है और आगे चलते हैं बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ऐसे लिख दिया प्लस ए स्क्वायर ऐसे लिख दिया इन दोनों में से हमारे पास माइनस की साइन कॉमन आ रही है तो हमने माइनस की साइन को बाहर ले लिया अंदर क्या बचा माइनस माइनस प्लस एल एक्स माइनस माइनस प्लस एन ब्रैकेट अपॉन में एम इट इज और होल स्क्वायर एज इट इज इज इसव टू बी स्क्वायर फिर आगे चलते हैं बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हम जानते हैं स्टूडेंट माइनस के ऊपर अगर पावर इवन नंबर आ जाए तो हमारे पास क्या होता है प्लस आ जाता है तो माइनस का स्क्वायर हो गया तो ये प्लस माइनस की साइन खत्म हो गई अब क्या बचा एलेक्स प्लस एन अपॉन एम का होल स्क्वायर इज इक्वस टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और आगे चलते हैं बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अब ये लिखा हुआ है lx प्लस एन अपॉन एम का होल स्क्वायर स्टूडेंट ये जो ऊपर वाली चीज़ है lx प्लस एन का होल स्क्वायर ये खुलेगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले से क्योंकि जब भी स्क्वायर आता है होल के ऊपर तो हम फार्मूले से एक्सपेंड करते हैं तो क्या फार्मूला होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर तो ये हो गया हमारे पास ए ए जो है हमारे पास एल एक्स है और बी जो है हमारे पास एन है, तो ये हो गया एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टू एल एन एक्स प्लस एन स्क्वायर और अपॉन एम का स्क्वायर एम स्क्वायर होता हो है इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर और आगे चलते हैं अब हम क्या कर रहे हैं इसके नीचे देखें वन लिखा हुआ है जब कुछ नहीं लिखा हुआ था तो वन लिखा हुआ तो है, है, है तो एम स्क्वायर और वन का एलसीएम आ गया एम स्क्वायर तो एम स्क्वायर डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर से एम स्क्वायर कट गया तो ये ए स्क्वायर हाथ के हाथ में अंदर ले जाके मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ तो ए स्क्वायर को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर फिर ए स्क्वायर को इससे करेंगे तो ये हो जाएगा टू एल एन ए स्क्वायर एक्स एक्स को जरा सफाई से लिख दें ताकि एन में और एक्स में आपको फ़र्क नजर आए प्लस ए स्क्वायर को एन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर एन स्क्वायर उस तरफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिखा हुआ है उसको ऐसे ही लिखा रहने दिया और आगे चलते हैं बी स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टू एल एन ए स्क्वायर एक्स नो चेंज प्लस ए स्क्वायर एन स्क्वायर ये एम स्क्वायर जो नीचे डिवाइड हो रहा था इसको उस साइड पर ले जाके मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर एम स्क्वायर और आगे चलते हैं बी स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर एजेट इस आ गया एस स्क्वायर एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर एजट इस आ गया प्लस टू एल एन ए स्क्वायर एक्स एजेट इस आ गया प्लस ए स्क्वायर एन स्क्वायर एजेट इस आ गया और इस ए स्क्वायर बी स्क्वायर एम स्क्वायर को उठा के हम उस साइड पे ले आए तो ये हो गया माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर एम स्क्वायर और उस साइड पे क्या बचा जीरो अगले स्टेप में मैंने क्या किया इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर इसको बाहर ले लिया तो यहाँ क्या बचा बी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस यहाँ क्या बचा ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस टू एल एन ए स्क्वायर एक्स को एज इट इज लिख दिया प्लस ए स्क्वायर एन माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो को एज इट इज लिख दिया अब हमने प्रूफ क्या करना है ला के दिखाना है कि ये लाइन इसके ऊपर क्या है टेंजेंट है वन पॉइंट कॉमन है तो स्टूडेंट हमने सेवन पॉइंट टू में भी किया था और आज मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि अगर वन पॉइंट कॉमन हो या हम ये कह दें कि टेंजेंट हो तो वो उसी सूरत में होता है कि जब उसका डिस्क्रिमिनेंट जीरो और डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज़ इक्व टू जीरो देअर फोर मैंने, मैंने यहाँ लिख दिया है द लाइन शुड हैव वन पॉइंट इज़ कॉमन इफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज़ इक्व टू जीरो ए क्या होता है जो एक्स स्क्वायर के साथ में लिखा हुआ होता है वो ये लिखा हुआ है बी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एल स्क्वायर बी क्या होता है जो एक्स के साथ में लिखा हुआ होता है वो लिखा हुआ है टू एल एन ए स्क्वायर और सी क्या होता है जो विदाउट एक्स और एक्स स्क्वायर के अलावा हो यानी कि जिसको हम कहते हैं कॉन्स्टेंट तो कॉन्स्टेंट हमारे पास क्या है ए स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर एम स्क्वायर इनको ए बी सी को हम पुट कर देंगे बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी के अंदर तो देखिए बी हमारे पास क्या है टू एल एन ए स्क्वायर हमने बोल दिया टू एल एन ए स्क्वायर का स्क्वायर क्योंकि बी स्क्वायर लिखा हुआ है ये माइनस आ गया ये फोर आ गया मल्टीप्लाई a ए हमारे पास क्या है बी स्क्र एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सी सी हमारे पास क्या है ए स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो अब और आगे चलते हैं टू का स्क्वायर क्या होता है फोर एल पे स्क्वायर आ गया तो एल स्क्वायर हो गया एन पे स्क्वायर आ गया तो एन स्क्वायर हो गया और ए स्क्वायर का स्क्वायर क्या होता है ए फोर होता है यहाँ तक हम पहुँच गया माइनस फोर इस वाली टर्म में से इसमें से गौर से देखें मैंने इसमें से क्या किया है ए स्क्वायर को कॉमन ले लिया इसको ऐसे ही छोड़ दिया ए स्क्वायर यहाँ पर आ गया तो ये हो गया फोर तो पहले से लिखा हुआ था यहाँ से इन दोनों में से ए स्क्वायर बाहर आ रहा है ये बी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एल स्क्वायर एज इट इज लिखा हुआ है अब चूंकि इन दोनों में से ए स्क्वायर बाहर आ गया तो यहाँ क्या बचा एन स्क्वायर यहाँ क्या बचा माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर और उस साइड पर जीरो ये करने का फ़ायदा क्या हुआ इन दोनों में से मैंने बाहर ले लिया फोर ए स्क्वायर जब दोनों में से फोर ए स्क्वायर ले लिया तो यहाँ क्या बचा एल स्क्वायर एन स्क्वायर ए स्क्वायर क्योंकि बाहर आया है और ये ए फोर है तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस पूरा फोर ए स्क्वायर बाहर आ गया और ये बचा बी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एल स्क्वायर इन टू एन स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो ये फोर ए स्क्वायर यहाँ पर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है उस साइड पर जाकर जीरो से डिवाइड होगा और जब कोई चीज़ ज़ीरो से डिवाइड होती है तो उसका आंसर हमेशा ज़ीरो होता है आगे चलते हैं तो ये फोर ए स्क्वायर ख़त्म हो गया ये हम ऑर्डर में लिख लेते हैं ए स्क्वायर एल स्क्वायर एन स्क्वायर चीज़ एक ही है आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता माइनस अब हम इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं बी स्क्वायर एम स्क्वायर को एन स्क्वायर से करेंगे तो आंसर आ जाएगा बी स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर फिर बी स्क्वायर एम स्क्वायर को बी स्क्वायर एम स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बी फोर और एम स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर एम फोर और आगे चलते हैं ए स्क्वायर एल स्क्वायर एन स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर ए स्क्वायर एल स्क्वायर को एन से करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर एल स्क्वायर एन स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस इसको जब इससे करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर एल स्क्वायर बी स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो अच्छा और आगे चलते हैं ए स्क्वायर एल स्क्वायर एन स्क्वायर एज इट इस माइनस की साइन से सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो माइनस प्लस ये हो गया माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी फोर एम फोर माइनस प्लस माइनस ए स्क्वायर एल एन स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर एल स्क्वायर इज टू जीरो अब इन सब में गौर से देखें Uh, uh, क्या हो रहा है ये ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एल स्क्वायर एन स्क्वायर और ये प्लस ए स्क्वायर एल स्क्वायर एन स्क्वायर आपस में कट रहा है तो काट दिया बाकी क्या बचा माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर यहाँ बचा बी फोर एम फोर और ये बचा ए स्क्वायर एल स्क्वायर बी स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो अब गौर से देखें इन सब में हमें अगर uh, uh, देखें कॉमन तो हमें नज़र आ रहा है यहाँ पर एम स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ यहाँ भी आ रहा है एम स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ भी कॉमन है और एम स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ भी है तो इन सब में से एम स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो ये ये बाहर आ गया तो यहाँ बचा खाली माइनस एन स्क्वायर ये बी फोर एम फोर था तो ये इससे कटने के बाद बाकी बचा बी स्क्वायर एम स्क्वायर और यहाँ से बी स्क्वायर एम स्क्वायर बाहर आ गया तो ये हो गया हमारे पास प्लस ए स्क्वायर एल स्क्वायर अगेन ये एम स्क्वायर बी स्क्वायर या मल्टीप्लाई है, उस साइड पर जाके जीरो से डिवाइड होगा, और जब कोई कांस्टेंट जीरो से डिवाइड होता है तो उसका आंसर जीरो ही होता है अब बाकी क्या बचा माइनस एन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो और हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं ऑर्डर के अंदर ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर और माइनस एन स्क्वायर इज टू जीरो यही है वो कंडीशन जो उसने मांगी थी क्या था सवाल प्रूव डेट द लाइन एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वस टू जीरो एंड स्क्र अपन ए स्क्र प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्र इज इक्स टू वन हैव जस्ट वन पॉइंट इन कॉमन इफ दिस तो हमने ला के दिखा दिया ए स्क्वायर प्लस ए स्क्र एल स्क् प्लस बी स्क्र एम स्क्र माइनस एन स्क्वायर इज इक्वस टू जीरो तो स्टूडेंट आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद क्वेश्चन करेंगे इसी तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे क्वेश्चन करते जाएंगे हर क्वेश्चन तकरीबन इतना ही बड़ा है बल्कि इससे भी ज़्यादा बड़े हैं क्वेश्चन तो मैं कोशिश करूँगा कि छोटे छोटे लेक्चर्स इसके ऊपर बहुत सारे लेक्चर्स हो जाएंगे कोई बात नहीं हो जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा फिर जो है वो अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग हो जाए इस एक्सरसाइज़ की क्योंकि ये चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है आज तक कोई ऐसा ईयर नहीं आया जिसमें ये सवाल ना आते हों तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन इसकी आप प्रैक्टिस करने लें फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम रिमेनिंग क्वेश्चंस में से भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो अगली क्लास तक के लिए स्टूडेंट आप जो है कोई सवाल अगर रह गया हो कोई कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा और हाँ एक और रिक्वेस्ट आपसे है काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करने के साथ साथ मेरी वीडियोस को अपने तमाम दोस्तों को शेयर करें तो स्टूडेंट्स अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़